देखिए, रिजर्वेशन का मसला मैं शुरू से बताऊं, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी देश में, उस वक्त अंग्रेज़ों ने कमेटी बनाई और 1936 में मुसलमानों को 35% रिजर्वेशन, पसमानदा तबकात को, जो निचले तबके के मुसलमान थे, 35% रिजर्वेशन दिया। जैसे देश आज़ाद हुआ 1947 में, 10 अगस्त 1950 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने जा करके वल्लभ भाई सरदार पटेल ने जा करके देश के राष्ट्रपति के पास, राजेंद्र प्रसाद जी के पास, ये कहा कि रिजर्वेशन इस देश में किसी को मिलेगा तो सिर्फ हिंदू को मिलेगा। ये क्लियरली बात है ये। और उसके बाद मुसलमानों को रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, एक लेटर पे रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, और आज तक नहीं मिला। ये सरकार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी ने 2005 में कमीशन बिठाया, राजेंद्र सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, महाराष्ट्र में देशमुख साहब ने रहमान कमेटी बनाई। सारी कमेटियों की ये रिपोर्ट है कि 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर 2014 में मोदी की सरकार दिल्ली में आने के बाद जब घबराहट शुरू हुई कि कहीं मराठा भाग नहीं जावे, कहीं मुसलमान हट नहीं जावे, तो इन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन अनाउंस किया। एजुकेशन में, सर्विस में कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन सर्विस में तुरंत दिया जाए और एजुकेशन का पेंडिंग है, लेकिन आज तक रिजर्वेशन मिला नहीं। कांग्रेस की सरकार आई, अभी आरिफ नसीम साहब आए थे, उनको बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और किसी से नहीं, मैं अमीन पटेल साहब से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने हाउस में बीजेपी के सामने रिजर्वेशन मांगा था। तो जब आपकी सरकार थी, आपने रिजर्वेशन लाया था, तो आपकी फुल प्लेस सरकार होने के बाद आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? और जब सरकार चली गई, बीजेपी की आई, तो अमीन पटेल साहब हाउस में खड़े होकर कहते हैं बीजेपी जो है रिजर्वेशन नहीं दे रही है। भाई, बीजेपी तो कभी भी नहीं देगी मुसलमानों को रिजर्वेशन। ये तो जितना मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, जितना मुसलमानों को तकलीफ देंगे, उतना ही उनको जो है फ़ायदा होता है। उनके उनके दिलो दिमाग में लग गया है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, सत्ता में बैठे रहो। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो है ना, खाने का दांत एक और है, दिखाने का दांत एक और है। अगर कांग्रेस में ईमानदारी होती तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो रिजर्वेशन दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। अब बीजेपी से मांग रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक मजाक है, भोदा मजाक है। क्या देश किसी के कहने से चलेगा या देश संविधान से चलेगा? अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि आपको इस देश में रहना है तो सूरज चांद जमीन की पूजा करनी पड़ेगी, तो फिर सोचूंगा मैं। लेकिन देश में ये कहा गया है, 3 लड़के केरल के, जिन्होंने इस देश की गीत नेशनल एंथम पढ़ने से इनकार किया, उनको स्कूल ने निकाल दिया, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्या नेशनल एंथम। और उसके बाद वंदे मातरम के लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हाउस में खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ भारत माता की जय, मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिस वाला मुसलमान हूँ, नमाज़ पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, और मुझे सिखाया गया है, बताया गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुकाना है, इवन माँ के सामने भी सर नहीं झुकाना है। रसूल अल्लाह की इज्जत करो, उनके लिए जान दे दो, लेकिन सजदा किसी का करना है तो सिर्फ अल्लाह का करना है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर हमने वंदे मातरम नहीं पढ़ा तो हम जो है देश के प्रेमी नहीं है। ये कम है क्या कि हम ही ने इस देश में आवाज़ लगाई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने ही शुरू किया था, झंडे का कलर आज मुसलमानों को दिया हुआ है, सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा मुसलमानों को दिया हुआ है, हाँ, और ये सारी चीज़ें मुसलमानों को दी हुई हैं। सर, आपने आज एक मिनट पूछे तो कि आज जो उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू छुपा है सामने, आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, क्या राय आपकी बनती जब वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ही सिर्फ एनडीए का हिस्सा रह गए हैं, बाकी और कोई हिस्सा तो रह नहीं गया, 2024 का इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? नहीं देखिए, नहीं तो अभी आज कोई भी यही बोल रहा है ना, ये कोई भी इसलिए बोल रहा है ये कि जब प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं
कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, चक्की पीसिंग, और प्रधानमंत्री खुद लेते हैं पार्टी में अपने से अलायंस करते हैं और बड़ी बड़ी ओहदे देते हैं, तो मैं पूछूं उनसे कि ये जितने गए हैं इन पे आपने ईडी की पहले छापे, ईडी में सबको केस किया ईडी का, अब इनको गिरफ्तार करने वाले थे। मैं समझता हूँ कि ईडी और इनकम टैक्स से डरा डरा का जो काम हो रहा है ना, वो 1947 से आज तक किसी ने नहीं किया था। ये लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, सबको डराया जा रहा है। क्या तरीका है ये? और जो इधर आ जाएगा ना, कितना भी करप्टेड हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, उनके वॉशिंग में बैठ गया, बटन दबाओ, दो मिनट में साफ सारा मामला क्लियर। क्या अबू भाई को भी डरने की? अरे अबू भाई छोटा आदमी, अबू भाई तो कभी मंत्री रहा ही नहीं, अबू भाई तो फुटपाथ पे रहने वाला आदमी है, उसका क्या बिगड़ेगा? अबू भाई दो हफ्ते हो गए विधानसभा के सत्र को, दो हफ्ते हुए लेकिन विपक्ष का नेता का चयन नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये अफसोस की बात है, हो नहीं रहा है, इसको आप किस अभी नहीं मालूम ना, इसीलिए तो मैं बीच में खड़ा हूँ। मैं किसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं उधर भी 20-15 बाकी हो जो इधर आने वाले हो, इधर के उधर जाने वाले हो। ये अफसोस कभी तो कर दो भाई। नहीं मालूम, उनसे पूछो भैया। हाँ, क्या पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन कह रहे थे कि अबू वंदे मातरम नहीं कह रहे थे, इनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीर नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सर, आपने कौन सा बताया है कि आजादी मैदान में जो आंदोलन करने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए जो ये है जो पर जो है वो शेड 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 जो है वो बनाना चाहिए, आपको लगता है ये सरकार जल्दी से जल्दी इसको करने लगे? नहीं, मुझे स्पीकर साहब ने खड़े होकर कहा कि इसको नोट किया जाए, और ये बहुत गंभीर मैटर है। आप सोचिए कि इतने लोग महाराष्ट्र से आ जाते हैं, धूप बैठे बजाय बारिश में पड़े रहते हैं, और वो जो हमारा जो है गांधी जी ने सिखाया है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन करो, आंदोलन करने लोग आते हैं उनको इज्जत से बिठाना चाहिए, और सरकार को उनको खाना भी भेजना चाहिए, मेरा मानना है ये। और ये जो इस तरह बैठे हैं, मैं इसके लिए प्रेशराइज करूंगा कि वहाँ 1000 आदमी का शेड बने, वहाँ एक स्टेज बने, 1000 कुर्सियाँ रखी जाएँ, वहाँ टॉयलेट बने और परमानेंट रहे वो, ताकि जो कोई भी आए अपना वहाँ आकर आंदोलन करे। धन्यवाद।